खरगोन शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में दूसरे और देश में तीसरे नंबर पर आया है, लेकिन खरगोन शहर का भ्रमण करने पर हमने देखा कि प्रमुख मार्गों की सड़कों पर हाल बदहाल है। मिट्टी ने यहां सड़कों पर धुआं धुआं कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि खरगोन शहर स्वच्छता में कैसे स्थान लाया, जबकि शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, मुख्य सड़कों पर दुकानदारों का अतिक्रमण, बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था जैसी समस्याएं शहरवासियों के लिए सरदर्द बन चुकी है। इस संबंध में हमने स्वच्छता अधिकारी प्रकाश चित्ते से बात करना चाहा तो उन्होंने सीएमओ से बात करो कहकर पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें कि प्रकाश चित्ते काफी समय से स्वच्छता अधिकारी हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन स्वच्छता संरक्षण में 10वें नंबर पर आया है और एमपी में दूसरे नंबर पर, क्या कहना चाहते हैं आप? खरगोन में 10वें नंबर पर कैसी आ गई इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर खरगोन में सड़कों पर धूल उड़ रही है, लोगों की गाड़ियों पर जमा हो रही है धूल, कहीं पर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, निकलना मुश्किल है। उसके बाद भी अगर 10वें नंबर पर है तो नगर पालिका जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। और जैसे कि और जिस तरह ये दुकानदारों और व्यापारियों ने अतिक्रमण करके रखा है तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है और नगर पालिका इसको नज़रअंदाज कर रही है। आपका नाम? कैलाश बिल्वे, खरगोन से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।